इस्लाम धर्म के संस्थापक और आखिरी पैगंबर मोहम्मद साहब का आज जन्मदिन है, जिसे पूरे विश्व में बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के शहरों में भी इस्लाम धर्म के अनुयायी के द्वारा मस्जिदों और धार्मिक संस्थाओं को पूरी तरह से सजाकर इस पर्व के अवसर पर मोहम्मद साहब को याद किया जा रहा है। वहीं राजधानी रायपुर में भी हजारों की संख्या में इस्लाम के अनुयायियों ने अपने अपने क्षेत्र से जुलूस निकालकर मिलादुन्नबी का त्यौहार मनाया, जिसमें बड़ी संख्या में युवा, वृद्ध, महिला, पुरुष मौजूद रहे, जो मोहम्मद को याद करते दिखाई दिए और इस्लामी नारे लगाते हुए जुलूस को शहर भर में निकाला। इस अवसर पर प्रशासन ने भी सुरक्षा की व्यवस्था कर रखी थी। साथ ही जुलूस के संचालकों ने इस अवसर पर सार्वजनिक रूप से सभी समाज और धर्म के लोगों के लिए खाने की व्यवस्था कर रखी थी। इस बार जो जुलूस गया है, इस बार की टाइमिंग बड़ी परफेक्ट थी। अभी बज रहा है 12:30, अभी पूरा जुलूस हो चुका है ख़त्म। ना यहाँ पे डीजे का उपयोग किया गया है, ना कुछ किया गया है। जिस तरीके से पहले होता था, अब वैसा अब नहीं हो रहा है। सिर्फ नारेबाजी में जो है जुलूस को ख़त्म कर दिया है। आज अस्सलाम वालेकुम और सभी को नमस्ते, जो भी देख रहे हैं, सारे इंडियन को और सारी दुनिया में जो ये त्यौहार होता है, हमारे मैसेंजर जो लास्ट मैसेंजर थे अल्लाह के, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनका नाम भी हम अदब से लेते हैं, उनकी सबसे प्यारी बात यही थी कि वो सारे धर्मों को लेकर ही चलते थे, और सारे धर्मों को कभी उन्होंने गलत नहीं बोला। आज आप भी गूगल, मैं स्टार्टिंग इसी से करूँगा कि आप गूगल करें, वर्ल्ड बेस्ट मैन इन द वर्ल्ड, फर्स्ट नंबर पे ही मोहम्मद साहब आ जाएंगे।